नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने वाले हैं कि फ्लोर टाइल्स वर्क को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लोर टाइल्स को मापना सीखते हैं और मापने के बाद कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार का कितना पेमेंट हुआ या निकाल कर आपको दिखाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको कभी ना कभी इस चीज़ की ज़रूरत जरूर से ज़रूर पड़ेगी। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि टाइल्स को मापकर लेबर का पेमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो लेबर का पेमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको टाइल्स का एरिया निकालना होगा, यानी कि टोटल लेबर ने जितने एरिया में टाइल्स लगाई हुई है उसका एरिया आपको निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह एक बाथरूम है और इस बाथरूम की फर्श पर लेबर ने जितनी टाइल्स लगाई हुई है उसका एरिया निकाल कर हम लेबर का पेमेंट आपको निकालना सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस बाथरूम की लंबाई और चौड़ाई माप लेते हैं, यानी कि जितने एरिया में टाइल्स लगा हुआ है उसकी लंबाई और चौड़ाई हम माप लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लंबाई की बात करें तो चलिए हम बाथरूम की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि बाथरूम की लंबाई यहाँ पर कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बाथरूम की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है, और टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि बाथरूम की टोटल लंबाई 10 फीट 4 इंच है। तो चलिए यहाँ पर हम बाथरूम की लंबाई 10 फीट 4 इंच लिख लेते हैं। लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको चौड़ाई मापनी है। तो चलिए हम यहाँ पर चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया और चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 4 फीट है, यानी कि 4 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर बाथरूम की चौड़ाई 4 फीट लिख लेते हैं। तो बाथरूम की लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रिथ में कौन सी वैल्यू इंच में है। जो वैल्यू इंच में होगी उसको आपको फिट में कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लंबाई की डायरेक्शन में जब हमने टेप लगाया था तो 10 फीट 4 इंच आया था, तो इस 4 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करना होगा। बहुत सारे लोग इस 10 फीट 4 इंच को कुछ इस तरीके से 10.4 लिखकर एरिया निकाल लेंगे, तो ये सरासर गलत है। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ये आपको कभी भी नहीं करना है। आपको सिंपली जितनी भी इंच की वैल्यू है सभी को फिट में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए इस 4 इंच को हम फिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंच के किसी भी वैल्यू को यदि आपको फिट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपको उस वैल्यू में 12 यानी कि 12 से भाग दे देना होगा। इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उस वैल्यू में हमें 12 से भाग दे देना है। यहाँ पर 12 से डिवाइड यानी कि भाग हम इसलिए करते हैं क्योंकि 1 फीट में 12 यानी कि 12 इंच होते हैं। तो किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 4 इंच का मतलब हुआ 0.333 फिट। तो इस 10 फीट 4 इंच को सिंपली हम 10.333 फिट लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से लंबाई और चौड़ाई में जितनी भी वैल्यू इंच की होगी उसको आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। फिट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल टाइल्स का एरिया निकालना है। तो टाइल्स का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई चौड़ाई का आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने एरिया में टाइल्स लगी हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबाई सबसे पहले 10.333 फीट है। नेक्स्ट चौड़ाई की बात करें, इंटू चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 4 फीट है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 41.33 स्क्वायर फीट के एरिए में टाइल्स लगी हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 41.333 स्क्वायर फीट के एरिए में टाइल्स लगी हुई है। तो इसी तरीके से आपको भी टाइल्स का एरिया निकाल लेना है। टाइल्स का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेबर का रेट निकालना है, यानी कि जितने स्क्वायर फीट में लेबर ने टाइल्स लगाई हुई है उसका रेट कितना हुआ। तो लेबर का रेट निकालने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है कि कितने स्क्वायर फीट एरिए में टाइल्स लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही निकाल कर दिखा दिया कि टोटल 41.33 स्क्वायर फीट के एरिए में टाइल्स लगी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 41.33 and 3 square feet। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता करना है कि लेबर कितने स्क्वायर फीट के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर टाइल्स लगाने का जो लेबर आया था वो 14 रुपए यानी कि 14 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वर्क कर रहा था। तो जितने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से
टाइल्स लगाने का वर्क हो रहा हो, उसी से आप टोटल जितने स्क्वायर फीट के एरिया में टाइल्स लगी है उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 41.333 स्क्वायर फीट के एरिया में टोटल वर्क हुआ है, और एक स्क्वायर फीट टाइल्स लगाने का जो लेबर रेट था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो ठेका हुआ था, वो 14 रुपये यानी कि 14 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो सिंपली हम 14 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर का कितना पैसा हो गया। आपके एरिया में टाइल्स लगाने का रेट कितना रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल लेबर का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 578 रुपये हो गया केवल 41 स्क्वायर फीट के एरिया में टाइल्स लगाने का। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपके पूरे घर में जितनी भी टाइल्स लगी हुई है, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, जितने एरिया में टाइल्स लगी हुई है उसका मेजरमेंट करके और पर स्क्वायर फीट लेबर कितना ले रहा है उससे गुणा करके आप कितने भी बड़े एरिया का कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि लेबर का कितना पैसा हो गया। चलते चलते आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि यहाँ पर एक रूम है जिसका साइज 15 फीट 4 इंच बाई 7 फीट 4 इंच है। इस एरिया में यदि 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल्स लगाने का लेबर रेट लिया जाए तो टोटल लेबर का कितना पैसा होगा, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए या फिर मत करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।